इंडियंस को इलेक्ट्रिक कार काफी ज्यादा पसंद आ रही है और आने वाली है, ऐसा हम कह सकते हैं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को देखकर। अब टाटा, महिंद्रा और हुंडई के बाद होंडा भी अपनी ईवी कार इंडियन मार्केट में लॉन्च कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में जिस कंपनी का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, वो कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार कब लाने वाली है? वैसे तो इसके बारे में कई सारी न्यूज आ रही है कि मारुति सुजुकी वैगनर इलेक्ट्रिक आने वाली है, लेकिन ये सच बात नहीं है। क्या है इसके पीछे की असलियत, जानेंगे आज की इस मॉडिफाइड वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय और आज के मॉडिफाइड वीडियो में हम बात करेंगे कि मारुति सुजुकी के इंडियन मार्केट के लिए क्या प्लान्स है, कब मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक कार लेकर इंडिया में आ सकती है, क्या वो पैसेंजर ईवी कार मार्केट को डोमिनेट कर पाएगी, क्या मारुति सुजुकी 5 से 6 लाख में इंडियंस के लिए ईवी बना सकती है, मिलेंगे इन सारे सवालों के जवाब। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ऐसे ही मॉडिफाइड वीडियोस देखने के लिए। कुछ महीने पहले मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव सर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है और पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में भी मारुति सुजुकी लीडर बना रहना चाहती है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार मार्केट इंडिया में ज्यादा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए वैसे कंडीशंस फिलहाल इंडिया में नहीं है। इसका मतलब मारुति सुजुकी को लगता है कि ईवी कार्स इंडिया में ज्यादा सेल्स नहीं कर पाएंगी, और ये कुछ हद तक सही भी है। कैसे? भारतीय कार मार्केट में आपको एक इलेक्ट्रिक कार लेने के लिए फिलहाल 11 से 12 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और ये प्रमुख कारण है इनकी सेल्स कम होने का। और अगर मार्केट देखते हैं तो 70% लोग 10 लाख रुपए के नीचे की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और मारुति सुजुकी को ये अच्छे तरीके से पता है कि कैसे गाड़ियों की कीमत कम रखकर ज्यादा सेल्स की जाए। इसलिए इंडियन बलेनो और बाहर जो एक्सपोर्ट होती है उस बलेनो में कीमत का भी डिफरेंस है और सेफ्टी का भी। और मोस्ट सेलिंग स्विफ्ट कार आती है 0 स्टार रेटिंग के साथ। अब मुंबई की एक रिसर्च कंपनी ने अपने रिसर्च से पता किया है कि 2017-18 में एक इंडियन फैमिली की एवरेज इनकम सिर्फ 45,000 रुपए है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाकर वो डिटेल्ड रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और इस पैंडेमिक के बाद सिचुएशंस और भी खराब हुई है, और इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी और रेनॉल्ट ऐसी कंपनियां हैं जो 3 लाख में गाड़ियां ऑफर करती है, जबकि इंडियन मार्केट में मौजूद एवरेज कार की कीमत है 7 लाख रुपए। शायद यही रीजन है कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी फोर्ड भारत में अपने जलवे नहीं दिखा पाई, जबकि उनकी गाड़ियां काफी बेहतर थी परफॉर्मेंस के मामले में, सेफ्टी के मामले में मारुति सुजुकी से। हालांकि कीमतें उन गाड़ियों की काफी ज्यादा थी, तो बॉस इसी प्राइस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके मारुति सुजुकी ने इंडियन मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखा हुआ है। इसीलिए इंडियन मार्केट में सेल होने वाली टॉप 5 कार्स में टॉप 4 कार्स मारुति सुजुकी की है। तो अगर किसी भी कंपनी को पैसेंजर कार मार्केट को डोमिनेट करना है तो उनको इलेक्ट्रिक कार्स को सस्ती बेचनी होगी, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है। ईवी कार में 40% कॉस्टिंग बैटरी की होती है। अब टाटा की बात की जाए तो उनके पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, टाटा पावर है चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए, टाटा केमिकल्स है बैटरीज के लिए। लेकिन इतना होने के बावजूद वो 10 लाख से कम में गाड़ियां नहीं बना पा रहे हैं। तो मारुति सुजुकी को अगर इलेक्ट्रिक कार मार्केट को डोमिनेट करना है तो उनको 5 से 8 लाख के जो सेगमेंट है उसमें एक गाड़ी बनानी पड़ेगी, और वो भी अच्छे रेंज के साथ, जो कि हालात को मद्देनजर रखते हुए पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो इसका सरल अर्थ ये होता है कि आपको अगर इंडियन ईवी कार मार्केट पर राज करना है तो आपको पूरी गाड़ी सस्ते में बेचनी होगी, और गाड़ी सस्ते में बेचने के लिए पूरी की पूरी गाड़ी भारत में बननी चाहिए। और नितिन गडकरी जी ने तो इलॉन मस्क जी को भी कहा है कि भैया टेस्ला यहाँ आके बनाओ, यहाँ आके बेचो, हम आपको इम्पोर्ट ड्यूटी में कोई भी कंसेशन नहीं देने वाले है। तो मारुति सुजुकी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, अगर उनको गाड़ियां बनानी है तो भारत में ही बनानी होगी, तभी वो अच्छे दामों में गाड़ियां बेच पाएंगे। अब मोदी गवर्नमेंट ने तो टारगेट भी सेट कर दिया है, 2030 तक 70% कमर्शियल कार, 30% प्राइवेट कार और 40% टू व्हीलर और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। और नितिन गडकरी जी का अगर फॉर्म देखा जाए तो लगता है कि 2026 तक हम ये टारगेट कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप वेट कर रहे हैं मारुति सुजुकी की एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का,
तो आप निराश होने वाले हैं। मार्केट में आपको टाटा और महिंद्रा की ईवी कार्स मार्केट में देखने को मिल सकती है, जो और भी सस्ती हो और जिनकी रेंज भी अच्छी हो। लेकिन अगर मान लीजिए इन सब के बावजूद मारुति सुजुकी एक सस्ती कार बना लेती है, फिर भी उसकी जो प्राइसिंग है वो जाएगी तकरीबन टाटा टिगोर या फिर नेक्सॉन के बेस्ट वेरिएंट तक, तो लोग मारुति सुजुकी वैगनर खरीदेंगे या फिर टाटा नेक्सॉन बेस्ट वेरिएंट, ये होगी देखने वाली बात। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। मॉडिफाइड थॉट्स पर हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में सोचना काफी जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो हर महीने 2 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां इंडियन मार्केट में बेचती है, लेकिन वो फिर भी 2025 तक कोई भी इलेक्ट्रिक कार बनाने का प्लान नहीं कर रही है, क्या आपको ये ऑड नहीं लग रहा है? वैसे वीडियो को देखकर आपके कई सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।